हेलो बच्चों, कंस्ट्रक्शन चैप्टर 12 में हमने दो टाइप कर लिए थे जिसके अंदर आपको फोर साइड्स एक डायगोनल एंड थ्री साइड्स विद टू डायगोनल गिवन था। ठीक है, तो आज हम करेंगे बाकी के तीन टाइप्स जिसके अंदर पहला आपको जो थर्ड टाइप है एक्चुअली आपका है जिसके अंदर आपको फोर साइड्स एंड वन एंगल गिवन होगा। तो उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है 9। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास फोर साइड्स दे रखी हैं, चारों की चारों साइड दे रखी हैं एंड उनके बीच का एक एंगल आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है कि इसमें क्वाड्रिलेटर आपको दिया नहीं हुआ कि बी क्यू आर एस ए बी सी डी क्या है। तो मान लो कि हमने एक रफली बना लिया बी क्यू आर एस। ठीक है, आप उसमें रिस्पेक्टिवली बोला हुआ यानी कि सीरीज में चलेंगे, यानी कि पहली साइड अगर आपकी 4.5 है तो उसके बिल्कुल साथ वाली ही साइड 3.6 है एंड उसके साथ वाली 5.6 है। आगे पीछे मत करना नहीं तो गलत बनेगा। एंड उसके साथ वाली 4.2 और आपको एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल के लिए ध्यान से देखना। तो एंगल बिटवीन द साइड, कौन सी साइड के बीच में, 3.6 एंड 4.5 के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो जब आपने जब आप बनाओगे इसके अंदर तो 60 डिग्री जो आपको दे रखा होगा, तो जो 60 डिग्री आपको देगा उसके साथ वाली कोई भी साइड दे दो, क्योंकि बाकी तो चारों साइड गिवन है, राइट। और उसके साथ साथ आप उसके बाद बना लेंगे। अब आप ये रफ डायग्राम की हेल्प से ही आगे चलेंगे। जैसे 60 डिग्री दे रखा है तो मान लो मैंने ये बेस ले लिया पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आपको कितना है 4.5। तो हमने एक बेस के साथ हमने बना लिया 4.5। ठीक है, ये हमारा बन गया पी क्यू 4.5। ठीक है, अब उसके बाद आप कंपास से अगर एंगल बना सकते तो कंपास से बना लेना, नहीं तो ऐसे आपको डी अलाउड है, आप डी से बना सकते हैं। आपको आना चाहिए जो आपके डी का ये मिड पॉइंट होता है, वहीं से आपको एंगल बनाना है। अब एंगल आपको कौन सा गिवन है, क्यू गिवन है, तो आपको क्यू के ऊपर पॉइंट रखना है और क्यू के ऊपर आपने कौन सा एंगल बनाना है 60। इधर वाला 60 में मत जाना, जिस तरफ की लाइन होती है उसी तरफ से स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो हमारा 60 होगा बिल्कुल यहाँ। तो हमने एक डॉट लगाने के बाद हमने ये बना लिया एंगल 60। हमने लाइन खींच दी, हमें नहीं पता कितनी लंबी लाइन है, अब हमें पता चलेगा कितनी है। क्यू हमने बनाया, क्यू से हमें जुड़ता हुआ कौन सी लाइन है, पी तो हमारे पास ऑलरेडी है, आर बनाना है हमें, तो आर हमारी कितनी है 3.6। तो अब हम मेजर करेंगे आर्क लगाने वाला काम। आर्क लगानी सबको आनी चाहिए क्योंकि आर्क के बेसिस पे ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, 3.6, तो हमने क्यू के ऊपर पॉइंट रखा। एक लाइन पर एक ही आर्क अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है, जैसे आर, ये हो गया हमारा 3.6। अब ये वाला आर है, ये हमारा पी है, अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट रह गया क्यू, जो यहाँ पे होगा कहीं पे, राइट। अब ये पॉइंट आपका जो क्यू होगा, एक तो पी से आपका आ रहा है 4.2 पी से आप करोगे 4.2 आर, और आर से आप करोगे 5.6। आर कहाँ पे आपका, ये वाला आर बिल्कुल एग्जैक्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा भी आगे पीछे किया तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका आर है, यहाँ से आपने बनाना है 5.6। तो ये हमने बना लिया 5.6 आर से, जहाँ पे ये हमारी इस आर को इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा पॉइंट आ गया क्यू। ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, इसको आप किससे कर दोगे जॉइंट, पी से, और यहाँ पे हमने कर दिया आर से जॉइंट। ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, और इसके अंदर मेजरमेंट आप ज़रूर लिखना, जैसे एंगल का भी हमने लिखा, और ये पी क्यू हमारी थी, सॉरी पी एस हमारी थी 4.2 और ये थी हमारी 5.6, नॉट क्यू, एस, क्यू हमारा यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वेश्चन आपने जो आपकी डिमांड थी करने की, दैट इज 11th,
क्योंकि 11th में भी आपको साइड्स दे रखी हैं, ट्रायंगल नहीं दे रखा, तो रिस्पेक्टिवली के हिसाब से ही आपने चलना है। दैट इज़ आपको 3 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखी हैं, 5.4, 5 एंड 3.6, और उनके इंक्लूडेड एंगल्स, यानी कि मान लो कोई भी आपके पास ए बी सी डी दे रखा है, मान लो हमारे पास जो साइड्स दे रखी हैं रिस्पेक्टिवली हम चलेंगे 5.4, यहाँ पे हमने 5.4 कर ली, बिल्कुल सीरीज में 5.0 यानी कि 5, तीसरी है 3.6 यानी कि 3.6, और इनके इंक्लूडेड एंगल यानी कि इन तीनों से बनते हुए कौन से दो एंगल, ये और ये वाला एंगल, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, 120 एंड 80, तो ये हमने बना लिया 120 एंड ये 80। तो अब आपको पता है दो एंगल जो दे रखे हैं उन्हीं को आपने बेस लेके चलना है, तो आपने सबसे पहले बेस क्या लेना है, 5 का। चलो हमने बना लिया 5 का बेस, ठीक है, ये हमने बना लिया 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या बन गया, डीसी। चलो डीसी हमने बना लिया 5। अब आपको पता है कि डी के ऊपर हमने बनाना है 120। रफ फिगर बनाने के बाद हमारे लिए इजी हो जाता है, हमें कहाँ पे कहाँ जाना है, जिस तरफ से लाइन जा रही है उसी तरफ से बेस लोगे, तो 0 से यहाँ शुरू होगा, तो 120 आपका कहाँ है, इस तरफ घेरा आपका 120, ये आपने बना दिया 120। हमें नहीं पता कितनी लंबी लाइन है, तो जितनी आप बना सकते हो थोड़ी सी लंबी, क्या आपको लगता है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कवर हो जाए, 120, साथ साथ आपने मेजर डाल दिया 120। सी के ऊपर आपका है 80, यानी कि अब आपकी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो आपका 0 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और 80 डिग्री होगा यहाँ, ये आपका बन गया 80 डिग्री। ओके, अगर आपने एंगल बनाते बनाते सी पॉइंट यहाँ से आपने एंगल मेजर किया, यहाँ से बनाया या यहाँ से लाइन ज्वाइन करी, तो आपका एंगल गलत हो जाएगा, याद रखना, जहाँ से मेजर कर रहे हो जोन सा पॉइंट है उसी पॉइंट से आपने एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया सी। अब आपको पता है मेजर करना है डी से, हमारा डी की तरफ जा रहा है हमारा एक ए, तो ए हमारा कितना जा रहा है, 5.4, तो अब हम मेजर करेंगे 5.4, मेजर करने के बाद डी पॉइंट से हमने इस पे एक आर्क लगाई, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया ए, दैट इज 5.4, और सी से हमारा पॉइंट क्या होगा, 3.6, बी की तरफ जाता हुआ 3.6, ये हमने यहाँ से पॉइंट उसी पॉइंट से हमने लगा दिया बी पॉइंट 3.6। अब हमारे पास दोनों पॉइंट है, क्योंकि लाइन के एक गिवन लाइन के ऊपर आर्क हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है, ये हमारा ए पॉइंट, इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, ये हमारा बी पॉइंट, अब इन्हीं डार्क पॉइंट को आपने मेजर करके बना देनी है ए बी, दैट्स इट, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ए बी को मेजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नहीं दे रखा, हमने तो आर्क की हेल्प से बनाया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब आपका एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन आपका क्या था, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपको बनाना है। फिर से हम एक रफली बना लेंगे, सीरीज में ए बी सी डी, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 14, जिसके अंदर आपको बी एंगल दे रखा है 110, डी एंगल आपको दे रखा है 85, और ए दे रखा है आपको 70, और आपको जो साइड्स दे रखी है बी सी आपको दे रखी है 5.5 और सी डी आपको दे रखी है 4.2। अब आपको पता है जोन सा आपको एंगल जो तीनों दिए होते हैं, तीनों एंगल्स में जो बीच वाला एंगल होता है उसके साथ का कोई भी बेस ले सकते हो, ए बी या फिर ए डी। मान लो मैंने ए बी बेस लिया, लेकिन आपको पता है ए बी हम बेस लेंगे लेकिन उसके लिए तो लाइन ही नहीं है हमारे लिए, तो इस केस में आप क्या करोगे कि आप ये जो चौथा एंगल है वो आप निकालोगे। अब वो कैसे निकालोगे, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, ये याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल सी भी निकाल सकते हो 110, और एंगल सी आपको निकालना है 85 और 360। एंगल सी जब आप निकालोगे तो जो आपका एंगल आएगा उसके बाद, मान लो अगर हमारा ये वाला एंगल आ गया, तो आप चाहे आप इसको बेस लो चाहे इसको बेस लो, क्योंकि इसकी तो आपके पास साइड्स भी है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 360 में से आप माइनस करोगे, पहले तो ये बन गया 180 माइनस 85, 180 माइनस 85 95, ये हमारा एंगल बन गया 90 5।
95 डिग्री एंगल बन गया, ये हमने कर लिया 95। बस हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि जो जो साइड दे रखी है दोनों इंक्लूडेड साइड, तो हमने बना ली 4.2 क्योंकि हम अब बेस लेते हैं 4.2। चलो हमने बना ली 4.2, ठीक है। डी और सी 4.2 बिल्कुल बीच वाला जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब सी पे आपको बनाना है 95 डिग्री, इस तरफ से लाइन है तो हमारा एंगल कहाँ होगा, यहाँ से शुरू होगा और ये रहा हमारा 95। चलो ये हमने बना दी 95 डिग्री, हमने मेजर भी डाल दिया 95 डिग्री। और जो एंगल डी है, डी पे हमने बनाना है एंगल 85, इस तरफ से है लाइन तो हमारा एंगल होगा इस तरफ से 85, तो हमने ये 85 भी बना दिया। इसके बाद अब आपको मेजर करके फिर से वही आपका आर्क लगानी है। 85 भी बन गया, 95 भी बन गया, यानी कि हमारे पास जो आर्क है सिर्फ सी से है 5.5, यानी कि आपने सी से बी की तरफ जाना है 5.5, यानी कि आपने 5.5 की जो आर्क लगाओगे ये आपने लगा दी बी की आर्क, ठीक है। ये बना दिया आपने 5.5 का। 5.5 को बनाने के बाद अब आपको पता है अब ए की तरफ कोई आर्क नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा सकते तो आपको, लेकिन ये पता है कि एंगल बी से आपका 110 डिग्री बन रहा है, राइट। ये आपको एंगल निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब एंगल बी से आपको 110 डिग्री बनाना है क्योंकि आपको पता है एंगल बी 110 डिग्री का है। अगर एंगल ए की तरफ दिया होता तो एंगल ए की तरफ, अब इस तरफ लाइन है, बिल्कुल इसी पॉइंट को आपने सेंटर लेके चलना है जहाँ पे वो इंटरसेक्टिंग बी का पॉइंट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। 110 डिग्री, ये रहा आपका 110 डिग्री यहाँ पे। जब आप इसको मेजर करोगे, इसको आप लाइन बनाओगे, तो इस वाली लाइन को ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट होगा ए। और वेरीफाई करने के लिए आप इस एंगल को, क्योंकि कोई भी आर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्क का सिस्टम ही नहीं था क्योंकि हमारे पास वही था, लेकिन एंगल ए को आप मेजर कर सकते हो कि अगर ये 70 डिग्री है, क्योंकि हमने बनाया 110, अगर ये 70 डिग्री है तो यस आर आंसर इज करेक्ट। ये हमारा 70 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये मतलब कि ये हमारा 70 डिग्री का एग्जैक्ट सही बना है और ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट।